मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, जिनके एक आपत्तिजनक बयान पर बवाल मच गया है। नीतीश कुमार ने कल विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। नीतीश ने जाति सर्वे की रिपोर्ट पर विस्तार से बात करते हुए महिलाओं की शिक्षा ने राज्य में जनसंख्या को नियंत्रण करने में मदद की है, लेकिन जब उन्होंने इस पर विस्तार से बोलना शुरू किया तो हर कोई हैरान रह गया। जब बीजेपी ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, अब दिल्ली से पटना तक बीजेपी ने नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन किया है। पटना में विपक्ष ने विधानसभा के बाहर नीतीश के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी नीतीश के इस्तीफे की मांग कर रही है। तो मुझे लगता है कि अब ये मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने लायक नहीं है। अब मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और महिलाओं के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, उनके मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। बहुत ही घटिया सोच है ये। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह से बात की, वो भी असेंबली में इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ की प्रियंका गांधी जी या सोनिया जी या ममता बनर्जी इसके बारे में क्यों नहीं बोल रही हैं? क्यों नहीं इसके बारे में बात कर रही हैं? क्यों इसके बारे में आवाज़ नहीं उठा रही हैं? सब तो बिल्कुल चुप बैठे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुना की रैली में नीतीश कुमार का नाम लिए बिना उनके आपत्तिजनक बयान को लेकर इट इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। इस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता, जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं माताएं बहनें? हालांकि नीतीश कुमार के इस बयान पर इतना हो हल्ला मचने के बाद से नीतीश ने अपने इस विवादित बयान पर विधानसभा में माफी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी को उनकी बात से दुख पहुंचा है तो वो माफी मांगते हैं। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम आपने कहे मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को वापस लेता हूं और मैं महिलाओं के पक्ष में है। हालांकि नीतीश कुमार की इस माफी के बाद भी जो विवाद है वो थम नहीं रहा है और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा है कि सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, नीतीश के बयान को विधानसभा के रिकॉर्ड से भी हटाना चाहिए। अगर उनको नॉलेज देनी थी तो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से नॉलेज दे सकते हैं। एक्शंस और वर्ड्स दोनों ही बहुत भद्दे थे और एक भद्दे मजाक की तरह थे। केवल माफी मांगना एक उसका उपाय नहीं है। स्पीकर को, बिहार असेंबली स्पीकर को उनके अगेंस्ट एक स्टेप लेना चाहिए, एक्सपंज करने चाहिए उनके डायलॉग। अब बिहार में जाति सर्वे के आंकड़ों को लेकर मचा हुआ है घमासान। सर्वे बिहार की बदहाली बयान कर रहा है। बिहार की इस बदहाली के लिए कौन है जिम्मेदार, किसने किया बिहार को फेल? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7 बजे।